अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कुकिंग लैंड। मैं हूँ आपकी शेफ अलवीरा गौस और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। और ये जो बिरयानी है ये बिल्कुल इंस्टेंट बिरयानी है। ये मेरे पास जब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मैं उस वक्त यूज़ करती हूँ। ये रेसिपी आप लोगों को भी इंशाल्लाह ये आसान लगेगी और आपके लिए भी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। ये मैंने चिकन ले ली है, चिकन पूरी 1 किलो नहीं है, मैंने कुछ पीसेस लिए हैं चिकन के, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा होगी ये चिकन। आप चाहें तो पूरी 1 किलो भी ले सकते हैं। ये जो आलू है इस तरह से मोटे मोटे कटे हुए हैं, ये मैंने 3 लिए हैं जिसमें से मैंने 3-3 पीस किए हैं तीनों आलूओं के। ठीक है, ये आलू हो गए। ये हमारे पास अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। अदरक लहसुन जो है हमारे पास 1-1 टेबल स्पून है और हरी मिर्चें हमारे पास तकरीबन है 20। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, आप चाहें तो पैकेट का भी ले सकते हैं, होममेड भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये मेरे पास दही है 1 पाव, इसके अंदर मैंने सिर्फ रंग डाला है और आप अपनी मर्जी का रंग डाल सकते हैं इसमें। और ये है हमारे पास वो चीज़ है जो हम एंड में यूज़ करेंगे तह लगाते वक्त। ये पुदीना है मेरे पास और हरी मिर्चें हैं 5, और ये मेरे पास टमाटर है 1 बड़ा जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया, छिलका नहीं उतारा है मैंने आज। अच्छा, इसमें ये इंस्टेंट है तो इसमें इंस्टेंट जो है वो ये चीज़ है। ये मेरे पास टमाटर की टोमेटो प्यूरी है, ये मैं जो हूँ अक्सर यूज़ करती हूँ। ये होममेड है, आप चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल कंपनीज के सॉसेजेस चलते हैं ना, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस या लज़ानिया सॉस के नाम से जो पैकेट वगैरह आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली टोमेटो प्यूरी जो मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। ये होममेड है, ये तकरीबन 1 कप जाएगी भरकर। ये जो है गरम मसाले हैं, 4 लौंगे हैं, 2 छोटी इलायची है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये सिनेमन स्टिक है जिसको मैंने तोड़ लिया है, 1 सिनेमन स्टिक थी ये, 1 बड़ी इलायची है, 2 बादियान हैं टूटे हुए से हैं ये, काली मिर्चें जो हैं मेरे पास है तकरीबन 8 या 9, और ये 1 पत्ता था बड़ा सा उसको मैंने 20 से तोड़ लिया है। ये सारा गरम मसाला है, हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। ऑयल के अंदर गरम मसाला अपना डाल दिया है, बराबर वाले चूल्हे पर अधन का पानी चढ़ा हुआ है, यानी जिसमें हम चावल को बॉईल करेंगे। चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, चावल ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पानी को बॉईल होने में लगेंगे, इतनी देर तक हम चावल रखेंगे। ज़्यादा हम आज नहीं करेंगे अपने चावलों को डन। ये ऑयल में मैं अपनी चिकन और आलू दोनों डाल दूँगी, आपको डालकर फिर दिखाते हैं। मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, चिकन मैं थोड़ी सी देर में डालूंगी, पहले थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लेते हैं क्योंकि आलू मेरे बड़े हैं। अगर आपके आलू छोटे हों तो आप चिकन भी साथ में डाल दीजिएगा, पहले मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करके आपको दिखाते हैं। आलू को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। आलू के ऊपर आप हल्का हल्का सा कलर देख सकते हैं, मैंने इसको हाई टू मीडियम पे फ्राई किया है। पहले थोड़ा हाई था फिर मैंने मीडियम कर दिया फ्लेम, इसको मज़ीद और फ्राई करेंगे, पूरे 5 मिनट हो जाएं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। पाँच मिनट हो गए हैं टोटल, अब हम इसके अंदर अपनी चिकन डाल देंगे फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पाँच मिनट तक इसको फ्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना हरी मिर्च और अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें।
इसी स्टेज पर हम अपना सॉल्ट डाल देंगे, 2 टेबल स्पून डालेंगे इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा सेपरेट होने लग गया है, अब हम इसके अंदर अपनी ये प्यूरी डाल देंगे जो आपको दिखाई थी। अच्छे से भूनेंगे। आपको दिखाते हैं, अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया। हमने 5 मिनट इसको दिए हैं भूनते हुए। यह हम अपना मसाला इसके अंदर डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक मजीद भून कर फिर हल्की आंच पर रख देंगे। इतनी देर में हम अपने चावलों का कर लेंगे, क्योंकि पानी में हमारे अच्छे से खोल आ चुका है, यानी बॉयल आ चुका है। अब हम 2 मिनट देते हैं इसको। मोटी पतीले में इसे बनाइएगा, जिसका जो तला है यानी पेंदा ये मोटा हो, क्योंकि अब हम इसे हल्की आंच पे रखेंगे मसाले वगैरह डाल के तो ये लग भी सकती है। तो इसे ऐसे पतीले में रखिएगा जहाँ पर जिसमें आप श्योर होंगे इसमें लगेगा नहीं मसाला। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे ढक दूंगी हल्की आंच पे जितनी देर में हम चावल का कर लेंगे। बॉयल आ गया था पानी में, मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। हमारे 1 किलो चावल हैं जो मैंने भिगोए हुए थे। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून ही फुल नमक डाला है। नमक मैं ज़्यादा डालती हूँ, आप भी ज़्यादा डाला करें। चावल अच्छे से नमकीन बनते हैं, बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। ये इसमें मैं 1 कनी छोड़ूंगी, इसको हम मज़ीद पकाते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ टाइम है, अभी इसको छान कर आपको दिखाएंगे। फिर चावल मैंने छान लिए हैं अच्छे से, चावल रखे हुए छने हुए। ये इसमें इतनी देर ही बस इसको मैंने हल्की आंच पर रखा है। अब इसको चूल्हे से हटाकर मैं यहाँ अपना चावल का पतीला रख देती हूँ। आपको दिखाती हूँ किस तरह हम दम लगाएंगे। अगर आप टाइम जानना चाहते हैं तो टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट रखा है मैंने इसे, इससे ज़्यादा नहीं। ये पुराना एक ढक्कन है, आप भी इस तरह से कोई ढक्कन बना लीजिए अपना। ये मैंने चूल्हा तेज करके इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, दम के लिए यूज कर लिया करें। चावल थोड़े से मैंने छोड़ दिए हैं, चावल को इवनली फैला देंगे। ये साइड में अगर लगे हुए तो लगे छोड़ दें। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, बस के इसमें चिपके नहीं। ऑयल डाल दिया हमने, आंच थोड़ी सी कम कर देंगे। अब हम इसके अंदर अपनी पूरी यखनी डाल देंगे। ये हम इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे, आपको दिखाते हैं फिर। अब इसको हम और ये हमारा जितना भी दही है इसको ऐसे टायर बना के डाल देंगे, सर्कल बनाकर। अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब ये हम टमाटर डाल देंगे इसमें और हरी मिर्चें भी और अपना पुदीना भी। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये चावल है, ऐसे हिला हिला के हम डालेंगे। अगर आप इस तरह कंफर्टेबल ना हो तो आप प्लेट की मदद से भी हिला हिला के डाल सकते हैं चावल। इवनली स्प्रेड कर दीजिए इसको किसी चीज की मदद से। अच्छा,
अब मैं इसके ऊपर रंग डालूंगी, वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। ये मैंने तीन जगह पर रंग इस तरह से डाल दिया है, सूखा हुआ रंग है ये। अब मैं इसको हल्की आंच पर ढककर पकाऊंगी, दम दूंगी तकरीबन 10 मिनट दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी और फिर 20 मिनट में आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इस पे ढक्कन ढक के आप ऐसे कोई वेट रख दीजिए और हल्की आंच पर रख दीजिए इसे। मैं कुछ काम में लग गई थी तो मैंने इसको 10 मिनट बाद खोला नहीं, 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका दम खोलूंगी। अच्छे से इसको देखते हैं क्या बना इसका। पहले इसको रंग को अच्छा सा यूं कर लें, वरना ये जो है मोटे मोटे रंग वाले चावल आते हैं, इसलिए रंग को ऊपर 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 के चावलों में मिक्स कर लें और इसको ऐसे साइड कर दें। अब सबसे नीचे से ऐसे लेकर हम हाफ बिरयानी में अभी चलाएंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। हाफ बिरयानी को अभी हल्का सा ऐसे ऐसे ही करके छोड़ देंगे। मैं चावल देख लेती हूँ चम्मच से चक्कर, अगर हो गए होंगे तो फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। चावल हमारे हो चुके हैं, हम उसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमने बिरयानी डिश आउट कर ली है, बिरयानी बहुत टेस्टी बनी है, इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेगी। प्लीज ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी बिरयानी। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।